अभी हम जो किनारे बात बोल रहे थे जिसमें मीटिंग बीच में एंड हो गया, तो दोबारा ही बोलने जा रहे हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस मास सिस्टम आपका होता है। अब सारा वीडियो भी हम डाल चुके हैं आपका यूट्यूब में, आप देखते नहीं जाके, सब सब्सक्राइब हो गए तो आपको मैसेज आ जाता होगा ना कि भाई वीडियो डाला गया आपका, आप चेक कर लीजिए। तो हमसे फिर बाद में भी आप पूछते हैं कि वीडियो आप डाले नहीं, हम डाल चुके रहते हैं, आप देखिए चाहे चेक कीजिए। सुनिए, MgA जो पोटेंशियल एनर्जी आया मान लो, तो आपका वो असल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, MgA। वो अलग बात है कि हम अगर ग्राउंड पे ही है तो इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। रेफरेंस लाइन उस लाइन को कहते हैं जिस लाइन पे आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम किए हैं, लेकिन वहां जीरो है नहीं, आपने अज्यूम किया है। जैसे ये स्केल था हम समझाए थे टूट गया, एग्जाम में टूट गया, अब 3 सेंटीमीटर से, तो आप इसको रेफरेंस मान लेते हो जीरो और इसको जीरो मान के यूज करते हो। ठीक, उसी तरह से अगर आप इसको बोलते हो रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन का एक और नाम है जीरो पोटेंशियल लाइन, जीरो पोटेंशियल लाइन। क्योंकि देखो आपको समझना होगा, आप 9th के बच्चे नहीं रहे, अब आपको न्यूमेरिकल में आएगा कि एक पुली है, पुली के दोनों साइड मास है M1 M2, तो चेंज इन पोटेंशियल जी कितना होगा, 2 मीटर नीचे गया 5 2 मीटर ऊपर गया, तो सवाल में आया पोटेंशियल जी निकालने के लिए, तो तुम जमीन खोजोगे अब कि कहाँ से हाइट ले। अरे भैया जमीन बता देते तो हम उससे एमजीएस लेते। अरे नहीं भाई, तुम यहीं पे एक लाइन सीधा खींचोगे और इसी को तुम कौन सा लाइन मान लोगे, रेफरेंस लाइन, या इसको कौन सा लाइन कहोगे, जीरो पोटेंशियल लाइन। तो रेफरेंस लाइन आप कहीं भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिए कहीं भी, उसमें गलती हो कहीं भी, आप उसको जीरो ज्यूम किए उसके बाद आपका चेंज निकालेंगे। तो रेफरेंस लाइन का पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो लेते हो, इफ यू इनिशियल इज इक्वल टू जीरो देन यू फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, MgH। हम यू फाइनल को यू मान ले रहे हैं, अगर यू से हम जैसे कि काइनेटिक एनर्जी को के से दिखाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, आप पी भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, यू से डिनोट करते हैं। फिर से सुन लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये जमीन पे पत्थर रखा हुआ था और यहां पे हम पत्थर उठा के आए, कोई लड़का आप में से चाहे तो बोलेगा भैया तब तो हम इसको मान लेंगे जीरो पोटेंशियल लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप जिस लाइन को मानेंगे जीरो पोटेंशियल लाइन, पोटेंशियल एनर्जी का हाइट वहीं से मेजर होगा, आप इसको माने यहाँ जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट नोट में, बस क्या है इंपॉर्टेंट नोट वो सुनो, ये जरूरी बात है कि आपका जो जीरो पोटेंशियल लाइन होता है, कौन सा लाइन बोल रहे हैं, जीरो पोटेंशियल लाइन, इस लाइन से ऊपर जो भी हाइट आप लोगे उसका पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे प्लस में MgH, ये ट्रिक न्यूमेरिकल के लिए, और अगर उसके नीचे आप जाते हो जीरो पोटेंशियल लाइन से तो उसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस में MgH। याद रहेगा जीरो पोटेंशियल लाइन आप कहीं भी ले सकते हो, जीरो पोटेंशियल लाइन से ऊपर जाने में प्लस में MgH होता है पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे आने पे माइनस में MgH होता है। याद रहेगा रेफरेंस लाइन हम अपने मन से न्यूमेरिकल के सुविधा के लिए कहीं भी ज्यूम कर सकते हैं, अब पुली में धरती थोड़ी खोजते रहेंगे, इसके लिए कहीं पे भी रेफरेंस लाइन बना देंगे, तो रेफरेंस लाइन आप बना लोगे तो काम आपका हो जाएगा। दिख रहा है आपको, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी का असल में फॉर्मूला होता है वर्क डन, वो भी एक्सटर्नल का लोगे तो प्लस और इंटरनल का लोगे तो माइनस। लेकिन अगर आपसे कोई स्पेशली पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस मास सिस्टम कितना होगा, तब MgH बोलोगे, ऐसे आप नहीं बोल दोगे MgH में उठा के। कोई बात नहीं, इतना भी सिखा देंगे ना, फिर भी 12th के पहले क्लास में किसी बच्चे से पूछेंगे बाबू बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, मेन जनरल फॉर्मूला, वो MgH बोलेगा, कहा कि बचपन से तुमको वही ठूस के पी लगाया गया है, 9th में 7th में वही दिमाग में बैठा हुआ, इतना सिखा दिया नहीं ध्यान जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ MgH स्क्वायर हर जगह वही होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हर जगह बदलता है। देखो अभी एग्जाम्पल दिखाते हैं, अभी एक पोटेंशियल जी तुम सीखा, अभी स्प्रिंग में बदल जाएगा, पहले कॉपी करो इसको, कॉपी कर लो, अब हम बात करने जा रहे हैं अगले टॉपिक के ऊपर। मेरा ऑडियो अनस्टेबल है, 1 नंबर से कोचिंग बोल रहा है अरिजीत मोहन तिवारी के पेपर में लिखा है कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है 1 नंबर से। 1 नंबर से हम कोचिंग खोलेंगे सिर्फ उनके लिए जिनको डाउट है, जो ऑनलाइन नहीं आ सकते तो उनको डाउट होगा तो उनको हम बुला के बताएंगे ग्रुप में, सिर्फ वैसे बच्चे जिनका पेमेंट कंप्लीट रहेगा, ध्यान ले सबके लिए बोल रहे हैं हम, पेमेंट कंप्लीट रहेगा। और डेमो टेमो वाले बच्चे बिल्कुल नहीं आएंगे मेरे पास, कंप्लीट रहेगा, वो चाहेंगे कि ऑफलाइन ही मोड हो, तो गवर्नमेंट का हमारे ऊपर प्रेशर ना रहे, मतलब की कोई शिकायत विकायत करने वाला, मैं चूंकि
वैसा कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें तुरंत पता चल जाता है भीड़ आता है। तो मेरे कोचिंग में भीड़ बहुत ज्यादा पता चलता है, सीढ़ियों पे भीड़ हो जाता है, तो कोई कंप्लेन ना करे, नीचे बैंक है बैंक है। तो अगर वैसा कुछ ना हुआ तो हम अलाउ करेंगे, डाउट्स के लिए बुलाना शुरू करेंगे 10-10 के ग्रुप में आप लोग को कि हाँ आज इतने लोग आ जाओ। तो इसलिए तो हम छटनी आज से कर रहे हैं सबके लिए। 1 नवंबर से हम सोचे थे कि शुरू कर देंगे। मेरे आसपास हमको दिखता है छोटे मोटे जो भी कोचिंग्स हैं सब लोग खोल के चला रहा है, लेकिन हम बस नहीं चला रहे क्योंकि हम थोड़ा सा पिसका मोड़ में, सबको पहचानता है उस कोचिंग को तो फंसा सकता है, ऐसा हमको लगता है कि झूठ मूठ का हमको क्यों। साफ साफ पेपर में लिखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, आज के पेपर में वो नहीं खुलेंगे, पता नहीं इसको उसी में बीमारी दिख रहा है। तो हम भी उस परेशान नहीं, नए नए लोग अभी फोन कर रहे हैं कि शुरू से पढ़ाइएगा, कब से कोचिंग खुलेगा। हम उन एक दो लोग के लिए नहीं खोल रहे, जो नए शुरू से पढ़ने वाले बच्चे चाहेंगे उनको बता ही दिए, फीस आपका 10,000 हो गया है, उन लोग का सेम पेमेंट करने के बाद ही उनका बैच बनेगा। लेकिन खुद मेरी इच्छा नहीं है कि हम ऐसे बिना किसी परमिशन के खोलें, कोई इलीगल काम जैसा करने जैसा नहीं ठीक लगता है। फिर भी आप लोग इच्छा होगी तो डाउट सेशन आपको हम देना शुरू कर देंगे 1 नवंबर से। आप आओगे मेरे पास पूरा अपना एक साथ लेके और मैं आपको बताएंगे। क्लासेस जब तक नहीं बोलता गवर्नमेंट ऑनलाइन तो चलाना ही पड़ेगा, पसंद हो आपको या ना हो। हो गया यहाँ तक, समझ में आ गए ये। अब आपका जो अगला हेडिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, VVI का पावर इंफिनिटी। अगला टॉपिक है वो है VVI का पावर इंफिनिटी, यानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, अब हम किसका पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना सिखाने जा रहे हैं, स्प्रिंग का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, तो चलिए हेडिंग लिखिए सुंदर राइटिंग में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। पिस्का मोड़ में भी कोचिंग खुल रहा है ऐसा राजकुमार ने कहा। पिस्का मोड़ में कुछ मेरा दो कोचिंग है आप लोगों को पता है, एक हरिओम टावर के सामने एक पिस्का मोड़ में, तो पिस्का मोड़ वाला भी खुलेगा, वहां वाला भी खुलेगा। हम अभी नहीं खोल रहे कोई भी, लेकिन पिस्का मोड़ में सारा कोचिंग बाकी लोग खोल रहा है, आपको पता है, हमको ये खबर है। जितने लोग को पैसा का भूख है ना सब खोला है, कोचिंग खोलेगा तो बच्चे आएंगे, बच्चे आएंगे तो सामने से चप्पू लेकर पैसा वसूल लेगा, ऑनलाइन में वसूला नहीं रहा हम लोग से पैसा, क्योंकि वैसा ही ना हम लोग 2 दिन पढ़ा के जो होता पैसे दो। आप लोग अभी कोचिंग के जाल में फंसे नहीं है, शुरू शुरू में हम मिले हैं ना तो आप लोग को कोचिंग बड़ा आरामदायक लग रहा है। हम एक बार अभी टाइट होंगे तो आपको भी मेरी ओर से भी कष्ट हो जाएगा, लेकिन हम तो अभी तक बिजनेस से पूरी तरह से उतरे नहीं है। तो मेरे कलीग्स एक से एक बढ़िया कोचिंग, थोड़ा दिखावा करना है बस, आप पैसा थोड़ा सा IIT फिटकी ऐसा बोल बोल के आपको उल्लू बनाना है। आप गार्जियन को 2-4 बार कॉल करवा देगा रिसेप्शनिस्ट से और 2-3 को सैंपल देगा तुमको डेली डेली की DPP है वो सब जा, तुम तो सब घासा है फंसोगे बिंदास, तुम्हारा जीवन बर्बाद करेगा। 12th तक में तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन तब तक थोड़ा लेट हो चुका हो। तो ऐसा बिजनेस अभी शुरू हो चुका है सब, हम भी करेंगे, कमाने का मौका हमने छोड़ने वाले हैं, सब ऑनलाइन बोल दे रहे रिकॉर्डिंग में, यानी सब फंस जाएगा, ई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे ना, ई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। मंडे को आपकी छुट्टी रहेगी, दसवीं अगर उस दिन है तो, मंडे को दसवीं है या संडे को है किसी को पता है क्या? मंडे को अगर दसवीं नहीं है तो मंडे को भी छुट्टी कैंसिल, मंडे को दसवीं है कि नहीं है कोई नहीं बताया, यह लगता है मंडे को दसवीं नहीं है। ठीक है तो हम बता दें ग्रुप में भी छुट्टी है कि नहीं है आपका, अभी आपको भी आइडिया नहीं है यार, दुर्गा पूजा तो घूमने कोई जा नहीं रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, आप सबको हम स्प्रिंग पढ़ा चुके हैं, जो नहीं भी पढ़े हैं उनको वीडियोस में देख लेना चाहिए कि स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है और सो एंड सो। मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है और ये अपने भी, ये इसका नेचुरल लेंथ है, कौन सा लेंथ है? नेचुरल लेंथ। ठीक है, हम मोहंती हमसे पूछा था फॉर्मूला MgH2 - MgH1 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस लाइन से भी यहाँ पे है H1 हाइट और फिर इसको कुछ देर बाद यहाँ चला गया H2 हाइट, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी MgH2 - MgH1 ये हो जाएगा। तो वो वही फॉर्मूला को तुम लिख दिए, ठीक है, उसको चेंज हो गया इस पॉइंट पे, जो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज चेंज, रेफरेंस लाइन का कांसेप्ट ध्यान रखिएगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में हर स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, याद है ना आपको, स्प्रिंग कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है Kx, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है K × x, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो जस्ट अपोजिट होता है। हम चाहते हैं कि इस स्प्रिंग को
यहां से खींच के थोड़ा डिस्टेंस तक ले जाए। तो यहां तक ले जाने में हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। एक्सटर्नल फोर्स हमको राइट क्यों लगाना होगा, आपको ये समझ में आता है? एक्सटर्नल फोर्स हमको राइट क्यों लगाना होगा, क्योंकि जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो इसमें एक इंटरनल फोर्स लगता है जिसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, एफ स्प्रिंग। ठीक है, मान लो अभी स्प्रिंग का जो दूरी है वो एक्स वन दूरी पे है और यहां तक ले गए तो वो एक्स टू पोजिशन पे आ गया। वैसे आप बोलिए अगर नेचुरल लेंथ है तो यहीं पे ओरिजिन मानेंगे तो एक्स वन तो जीरो है, लेकिन हम समझने के लिए मान लो अभी कहीं पे स्प्रिंग था, अब इसको खींचे हुए थे 2 सेंटीमीटर और फिर ले गए 8 सेंटीमीटर, तो पहले 2 तक खिंचाया हुआ था फिर 8 पे गया ना, तो 2 तक खिंचाया हुआ था वो था x1 और फिर 8 पे गया वो हो गया x2। x1 x2 दूरी है नेचुरल लेंथ से, कौन सा लेंथ से? नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ को भी x1 कर दिए। ठीक है, हम इसको यहां से यहां ले गए हैं। आपको पता है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स, यानी स्प्रिंग फोर्स के फॉर्मूले में एक्स आता है, यानी स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वो एक्स पे डिपेंड करता है। तो जब भी ऐसा कोई फोर्स हो जो कि कांस्टेंट नहीं हो तो उसका वर्गमूल का फॉर्मूला आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसका वर्गमूल का फॉर्मूला आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट के हर जगह पर फोर्स का वैल्यू अलग अलग है। इस केस में आपने स्प्रिंग को खींचा है धीरे धीरे, आप सब लोग स्प्रिंग पढ़ चुके हैं उम्मीद करते हैं, बिना पढ़े लिखे में क्लास में बैठे हैं तो आपको दिक्कत आ रहा होगा, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं। दुर्गा पूजा के नाम पर पढ़ाई छोड़े हुए हैं तो आप सबका कष्ट हो रहा होगा। जैसे हमको जाना है रांची से पटना, तो इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं लेके हम एक छोटा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं यहाँ से वहां तक, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मान लो कभी ना कभी आप पिस्का मोड़ से रातू रोड गए होंगे, पिस्का मोड़ से रातू रोड चौक, एकदम छोटा डिस्प्लेसमेंट का नाम दिए डीएक्स, और उस समय आपका स्प्रिंग कितना खींचा हुआ है एक्स। फिर से बता दें, किसी भी समय एक छोटा डिस्प्लेसमेंट लिए डीएक्स, उस समय नेचुरल लेंथ से आपका जो स्प्रिंग है वो कितना खींचा हुआ है एक्स। Let dx be a small displacement at a distance x from natural length, है ना? मान लो natural length से x दूरी पे एक छोटा, आप सुनो एक्सटर्नल फोर्स आपको उसका मैग्नीट्यूड उतना ही, मैग्नीट्यूड लगा दिए उतना ही होना चाहिए जितना इंटरनल फोर्स होना चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए? ताकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, ताकि हम कौन सा एनर्जी निकाल सके, पोटेंशियल एनर्जी VVI। एक्सटर्नल फोर्स उतना ही होना चाहिए जितना इंटरनल फोर्स है, यानी इसका वैल्यू होगा के इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ 2 फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया राइट, इंटरनल फोर्स लगाया लेफ्ट, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट। फिर से देखिए, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है राइट, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है राइट, यानी एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो अगर हम बोल लें वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, बाय द एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, कितना वर्गन होगा? वर्गन को छोटा लिख रहा है, डी डब्ल्यू लिखे, छोटा वर्गन, वर्गन छोटा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है, इसलिए डी डब्ल्यू लिखे। ठीक है ना, वर्गन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम लिखेंगे एफ एक्सटर्नल इनटू में डीएक्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू है के एक्स इनटू में डीएक्स। आप गौर करो कॉस 0 हम नहीं लिखे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कॉस 0 ही होगा ना, वो स्टेप को हम उड़ा दिए, कोई दिक्कत? अगर कोई लड़का इसमें से एक्सटर्नल का जगह लड़की भी इंटरनल लेके बनाता है इंटरनल, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाता, क्यों लगता? क्योंकि इंटरनल लग रहा है लेफ्ट साइड, आप ले जा रहे हैं राइट साइड, तो कॉस 180 हो जाता है बीच का एंगल, आ रहा है समझ में? अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाता है, नेगेटिव वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपको दोनों साइड क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। इसका इंटीग्रेशन एक्स वन से कहां तक ले गया मान लो एक्स टू तक करने को, तो देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में खाली कौन आएगा? एक्स dx, एक्स वन से एक्स टू तक। ठीक है, तो देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो ठीक है के, ठीक है इंटीग्रेशन पता है, पावर में एक जोड़ते नहीं जो उतना लिखते हैं। एक्स dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स वन से एक्स टू तक, यानी कि हाफ के अपर लिमिट एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर, यही हुआ वॉल्यूम बाय एक्सटर्नल फोर्स।
इक्वेशन नंबर दो, और यही वर्ग में आपका जमा हो जाएगा कौन से एनर्जी ग्रुप में, पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप में, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज कौन सा एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, फॉर्मूला होता है वर्क, क्या फॉर्मूला होता है जरा बता दो, फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल पॉजिटिव ऑफ द वॉल्यूम बाय एक्सटर्नल फोर्स, होता है ना, यानी कि u final minus u initial half k x2 का square minus half k x1 का square, यही हुआ फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। अगर स्प्रिंग को पहले खींचे थे 2 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ से, अब खींच दिए 40 सेंटीमीटर, तो x1 2 x2 40 half k, अब यहाँ ध्यान लास्ट है क्या आया बताओ, therefore u final, अच्छा स्पेशल केस लेते हैं, कौन सा केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस, लेट एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, हम ये मान लिए कि स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे ही शुरुआत में था, अगर शुरुआत में वो नेचुरल लेंथ पे था तो एक्स वन का वैल्यू कितना होगा, जीरो, जो हम दूरी नाप रहे हैं यहां से नहीं नाप रहे हैं, हम नेचुरल लेंथ से मान रहे हैं, तो अगर एक्स वन का वैल्यू जीरो ले लेंगे तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी को हम कितना एज्यूम कर लेते हैं, जीरो, जब वो जीरो था खिंचा हुआ नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो एज्यूम किए, लेकिन फिर भी बोलते दुनिया का हर सिस्टम के पास एनर्जी होता है, हम एज्यूम कर, एंड एक्स टू इज इक्वल टू एक्स और यू फाइनल को हम लोग यू मान रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर टू इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर टू देखिए, यू एफ के जगह पे यू लिखेंगे माइनस यू आई की जगह जीरो इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस में जीरो, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ के x square, देख रहा है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ के x square, स्प्रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला हाफ के x square, mgs तो नहीं ना हो गया, बदल गया कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो देखो अज्यूम मेन फॉर्मूला ये है, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस मान लीजिए कि अगर शुरुआत में स्प्रिंग खींचा हुआ नहीं था तो ये अगर जीरो था तो ये पूरा जीरो हो गया, तो इनिशियल जीरो मान लिए एनर्जी को, तो फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ के x square, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे हम लोग अगले क्लास और डिस्कस करेंगे, आज ज्यादा नहीं क्योंकि आज बच्चे भी कम है, बहुत लोग मेला वाला मना रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे भी बात शुरू ही हुआ है, अब इसका न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी का स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इसका फोटो लेके आपको भेज दे रहे हैं, वहां से कॉपी कीजिएगा क्योंकि मैं अगले मीटिंग का टाइम हो गया, आज हम लेट है ऑलरेडी, आज आपका एक ही मीटिंग देने का हम सोचे थे, तो मीटिंग एंड कर रहे हैं आज के लिए, इतना काफी, हम इसको भेज दे रहे हैं।